आज सुबह देश के कई राज्यों में भारी भूकंप के झटके महसूस किए गए। धरती ऐसी हिली कि लोगों में अफरा तफरी मच गई। जी हां, जहां राजस्थान, मेघालय, लद्दाख सहित कई आसपास के राज्यों में भूकंप के तीव्र झटके महसूस किए गए हैं। राजस्थान के बीकानेर में भूकंप की तीव्रता 5.3 मापी गई। वहीं मेघालय और लेह लद्दाख में तीव्रता क्रमशः 4.1 और 3.6 दर्ज की गई। हालांकि तीनों ही इलाकों में भूकंप से किसी भी तरह के जान माल का नुकसान नहीं बताया जा रहा है, लेकिन लोग इतने डरे सहमे से नजर आ रहे हैं जैसे भूकंप ने इनके पैर के तले की जमी को खिसका दी हो। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक आज सुबह 5:24 पर राजस्थान के बीकानेर में भूकंप का झटका महसूस किया गया, जिसकी तीव्रता 5.3 मापी गई। भूकंप की तीव्रता यहां पे सबसे ज्यादा थी। यह काफी सुबह आया था और इसलिए लोग सोए हुए थे, और सोते सोते जब लोग उठे तो लोगों में अफरा तफरी मच गई। दहशत के कारण लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। आधे नींद में जगे इन लोगों को कुछ पता ही नहीं चला कि आखिर हो क्या रहा है। जब तक संभल पाते तब तक भूकंप के झटके खत्म हो चुके थे और लोग आपस में बातचीत करते एक दूसरे को उदाहरण देने शुरू कर दिए कि उनके घरों के पंखे हिल रहे थे, उनके बेड हिल रहे थे, वे कहां बैठे थे, कुर्सी हिल रही थी, वगैरह वगैरह के उदाहरण देते नजर आए। हालांकि सबसे अच्छी बात ये रही कि किसी के जान जाने की खबर अब तक नहीं आई है, क्योंकि एक ओर लोग बकरीद की खुशियां मनाने के लिए घरों से निकल रहे हैं और दूसरी ओर भूकंप के झटके। ऐसे में अगर कोई बड़ा हादसा होता तो लोगों की खुशी गम में तब्दील हो सकती थी, लेकिन शुक्र है कि सब कुछ ठीक है। आप सभी भी स्वस्थ रहें, सुखी रहें। कोरोना काल में गाइडलाइन का पालन जरूर करें ताकि हम सब कोरोना के तीसरी लहर से बच सकें। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।